चलो बच्चों इधर आओ। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योगप्रिया सिंप्लिसिटी। दोस्तों आज है मेरे हैप्पी का बर्थडे और आज मैंने उनके लिए बनाई है उनकी फेवरेट पाव भाजी। उनको पाव भाजी बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो वही मैंने आज उनके लिए बनाई है। और हम ऐसे ही घर में ही उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी पाव भाजी की रेसिपी, तो वही मैं आगे की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और आप बताइए सेलिब्रेट करते हैं? वैसे तो मोस्टली हम बाहर चले जाते थे, लेकिन अभी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो भी शाम तक अगर कुछ होता है तो हम देखते हैं क्या होता है। टू बी चेंज, कुछ भी चेंज, क्या चेंज, प्लान कुछ चेंज होगा तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, नहीं तो घर में तो बनाना ही है। और आप कैसे बनाते हैं मुझे बताइए कि आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप अपने हस्बैंड का या अपनी वाइफ का बर्थडे? तो ऐसी छोटी छोटी खुशियों को हमें इंजॉय करना चाहिए, जो भी वक्त हमें देता है, जो भी टाइम हमें मिलता है एक साथ इंजॉय करना चाहिए। वैसे भी आजकल कोरोना की वजह से सब कुछ बंद है तो हम घर में ही इंजॉय, तो जैसा भी प्लान होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर हम घर में बनाएंगे तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर हम बाहर जाएंगे तो वो भी शेयर करूंगी। बाहर जाने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि कोरोना बहुत फैला हुआ है और अवॉइड ही करना चाहिए, तो घर में ही हम जो भी सेलिब्रेट करेंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे अभी मॉर्निंग का से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा था, तो मॉर्निंग में मैंने बनाई थी अपने हस्बैंड की स्पेशल, जो उनको बहुत पसंद है, मेरे हाथ की पाव भाजी, वही मैंने आपके साथ शेयर करी है। और हमने भी लंच वगैरह कर लिया है तो मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पे मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और जो भी इस वीडियो में आगे होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करिए फ्रेंड, अगर आप बेल आइकॉन नहीं क्लिक करेंगे, बेल का बटन नहीं दबाएंगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो बेल को ज़रूर दबाइए, बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अभी देखेंगे हम वीडियो में कि मैंने किस तरीके से मॉर्निंग में पाव भाजी बनाई थी और आगे जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ कुकर में मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे, फिर इसमें डालेंगे हम जीरा। पाव भाजी बनाने के लिए जो मेरे घर में अवेलेबल सब्जियाँ थी मैंने उन्हीं का यूज़ करा है। तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें सबसे पहले डाला है जीरा। जीरे को थोड़ा तड़कने देंगे, जीरा हमारा तड़क गया है। अब इसमें मैंने डाले हैं ये कट करके ये 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू हैं। अगर आपके घर में कॉलीफ्लावर है यानी कि गोभी, फूल गोभी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और आप गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ आलू और शिमला मिर्च और सीताफल था, वही मैंने पाव भाजी बनाने के लिए यूज़ किया है। यहाँ आलू के साथ साथ मैंने ये सीताफल भी डाल दिया, ये 1/2 kg सीताफल है। अब इसे अच्छे से मिला देंगे। अगर आपके पास चुकंदर है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, यानी कि बीटरूट, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। मेरे पास बीटरूट नहीं था तो मैंने थोड़ा सा जो रेड कलर होता है खाने वाला वो घोल के इसमें डाला है, ताकि बहुत ही अच्छा कलर आए हमारी पाव भाजी में। मार्केट वाले बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। हमने कलर इसलिए डाला है क्योंकि हमारी जो पाव भाजी है वो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बने, इसका टेस्ट भी वैसा हो और इसका कलर भी वैसा ही हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर ढक्कन लगा के 2 या 3 सीटी के लिए रख देंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से गल जाए। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है क्योंकि अब हम अपनी पाव भाजी को बनाने का आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है तो हम इसमें सबसे पहले डालेंगे बटर। बटर जले नहीं, इसके लिए हम इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा ऑयल भी। बटर के मेल्ट होने पर मैंने इसमें डाला है ये प्याज, ये मीडियम साइज की 2 प्याज है जिन्हें मैंने चॉप कर रखा है बारीक बारीक। प्याज को अच्छे से इसमें ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज के साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे हम अदरक लहसुन और प्याज को अच्छे से हमने भून लिया है, देखिए हमारा ब्राउन कलर आ गया है अदरक लहसुन और प्याज का। अब इसमें मैंने डालूंगी ये मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर से शिमला मिर्च को चॉप कर रखा है वो मैं डालूंगी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पाव भाजी में। और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे इनके साथ में।
शिमला मिर्च के अच्छे से भुनने पर हम इसमें डालेंगे ये पिसे हुए टमाटर। ये मैंने दो बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और इनको भी अच्छे से भून लेंगे हम। टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें मैंने डाली है ये 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच डाला है मैंने इसमें नमक, बाकी आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ करूँगी तो इसलिए मैंने सब्जियों के साथ उसे नहीं उबाला है। अगर आप ताज़ा मटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसे पहले बॉईल कर लीजिए, नहीं तो वो पकेंगे नहीं। मसालों को अच्छे से पकाने के लिए मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले अच्छे से पके। ऑयल छोड़ने तक हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। यहाँ मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी, अगर आपके पास टमाटर लहसुन की चटनी है तो वो 1.5 चम्मच इसमें डाल दीजिए, या आपके पास सेजवान की चटनी है तो वो 1.5 चम्मच डाल दीजिए, दोनों में से कोई एक, क्योंकि उससे बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है पाव भाजी में। और 1.5 चम्मच आप इसमें डाल दीजिए टमाटो केचप, उससे टेंगी फ्लेवर आएगा जो कि बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत पसंद आता है। मैं अभी डालना वो भूल गई हूँ लेकिन मैं बाद में ऐड कर दूँगी। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच भर कर पाव भाजी मसाला डाला है। ये आप मार्केट का कोई भी पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं। पाव भाजी मसाले के साथ साथ मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका मसाला चिपक रहा है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। यहाँ हमारे मसाले ने थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है तो हम इसे बहुत ही अच्छे से भूनेंगे हमारे मसाले को, ताकि हमारी पाव भाजी बहुत ही टेस्टी। हमें एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डाल देना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में पानी ऐड करना है अपने मसाले की कंसिस्टेंसी को लेवल करने के लिए। यहाँ देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है। अब एक बार हम सब्जियाँ चेक कर लेते हैं, हमारी कुकर में जो सब्जियाँ हमने बॉइल करी थी वो, ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। ग्राइंडर की सहायता से हम कुकर में ही हमारी सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अगर कढ़ाई में डाल के मिक्स करेंगे तो ये छींटे देगा और जलने का डर है, तो हम पहले ही सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे से भून गया है, कितना प्यारा कलर आया है इसमें। अब इसमें हम सब्जियाँ ऐड करेंगे। यहाँ मैं 2 चम्मच भरकर ये पुदीना पाउडर डालूंगी। ये मैंने घर में ही पुदीने को सुखाकर पीसकर बनाया है, इससे बहुत ही रिफ्रेश टेस्ट आता है हमारी पाव भाजी में या किसी भी चीज़ में जब आप इसे यूज़ करेंगे। ऐसे पलटे की सहायता से मिलाते हुए ये छुड़ाते हुए हमें 2 मिनट तक और मसाले को भूनना है। यहाँ देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि हमारा मसाला कितने अच्छे से भुना है। अब इसमें हम सब्जी ऐड करेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसमें सब्जी ऐड करना शुरू कर दिया है। एक बार आप ज़रूर फ्रेंड इस तरीके से बना के देखिए पाव भाजी, आप उंगलियाँ चाटते हुए रह जाएंगे और इतनी टेस्टी बनेगी कि आपका बार बार में बनाने का मन करेगा। आप ज़रूर इस तरीके से बना के देखिए, आप मार्केट की पाव भाजी खाना भूल जाएंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो कुकर में अगर थोड़ी सी सब्जी लगी हुई है तो उसमें भी पानी डाल के वो भी हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर, कितनी लाजवाब लग रही है ना फ्रेंड, ये मुंह में देखकर ही पानी आ रहा है, तो ज़रूर इसको बना के देखिएगा। अब कुकर को हम थोड़ा सा पानी से धो के वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अभी थोड़ी देर में ये सारा पानी सूख जाएगा। ये देखिए एकदम से मिक्स हो गई है ना, अब ये कितना अच्छा कलर आया इसमें। एक बार मैशर से और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि एकदम से घुल मिल जाए। यहाँ हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैशर से और ये देखिए कितनी टेस्टी और कितनी लाजवाब लग रही है। ये देखिए अभी 2 मिनट तक हम इसे और पकने देंगे, ये कितनी अच्छे से खदक गई है। पाव भाजी की भाजी हमारी पूरी तरीके से तैयार है। देखिए मैंने इस पर बटर डाल दिया है, बटर से इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, लाजवाब आता है। बटर को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम धनिए से गार्निश करेंगे। देखिए मैंने बिल्कुल फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया है। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें चटनी डालना भूल गई हूँ, तो यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाली है 2 चम्मच ये सेजवान चटनी और 2 ही चम्मच मैंने टमाटर केचप डाला है। इन दोनों से हमारी पाव भाजी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही लाजवाब टेस्ट बढ़ जाएगा इसका और इतनी ही टेस्टी बनेगी जैसे कि आप मार्केट की खाते हो। तो यहाँ अच्छे से भून गई है तो अब मैं इसको अपनी पाव भाजी के ऊपर डाल दूंगी। ये इस तरीके से तड़का भी हो गया है, आप इसको पहले भी डाल सकते हो और बाद में भी डाल सकते हो, तो इससे हमारी पाव भाजी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेस्ट भी इसका बढ़ गया होगा, आप ज़रूर ऐसे करके देखिएगा। भाजी हमारी बिल्कुल रेडी है तो हम जल्दी से गरम गरम पाव सेक लेते हैं। पाव के लिए मैंने एक तवा रख दिया, इस पर डाला है मैंने बटर। बटर को अच्छे से फैला लेंगे। मार्केट वाले क्या करते हैं,
कि थोड़ी सी सब्जी इस पर डालते हैं और फिर पाव को सेकते हैं या फिर पाव भाजी का मसाला डालते हैं। तो मैं यहाँ पे इस सब्जी को ही डालूंगी, जो हमारी भाजी है उसी को मैं तवे पे डालूंगी और थोड़ा सा हरे धनिया के साथ हमारे पाव सेकूंगी। इससे पाव बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब हम पाव भाजी के साथ खाते हैं। तो ये देखिए, मैंने थोड़ी सी सब्जी ले ली और उसे भी तवे पर फैला लिया है और ये थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से हमारे पाव रख दूंगी। मार्केट वाले क्या करते हैं, जिस पे वो भाजी बना रहे होते हैं ना, उसी पे पाव सेक देते हैं तो उसका टेस्ट और उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ मैंने ये तरीका निकाला है। तो यहाँ मैंने एक एक करके और ये पाव रख दिए हैं सेकने के लिए। अभी देखना इनका कितना अच्छा क्रिस्पीनेस और कितना अच्छा कलर आएगा हमारे पाव के ऊपर। मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं ऐसे पलट पलट कर इसको अच्छे से सेक लूँगी। ये देखिए, और ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है ना। यहाँ मैंने थाली लगा ली है, यहाँ मैंने कुछ प्याज कट करके रखे, एक हरी मिर्च है, सेजवान चटनी है और साइड में मैं डालूंगी हमारी भाजी। और ये लग गई है हमारी पाव भाजी की प्लेट। आ जाइए जल्दी जल्दी से, 50 रुपये प्लेट खा लीजिए, जल्दी जल्दी से आ जाइए खाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो ये सबसे पहली प्लेट उन्हीं के लिए, उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ की। तो अब मैं उनको सर्व कर देती हूँ जल्दी से, ताकि वो खा के बताएं कैसी बनी है। मैंने मेरे हस्बैंड को सर्व कर दी है और देखो ये सबसे पहला बाइट वो मुझे खिला रहे हैं। कैमरे में नहीं आ रहे तो देखो मेरे साथ कैसे मस्ती कर रहे हैं, नीचे झुका झुका के कि लो खाओ, कैमरे में नहीं आ रहा है। तो मैंने अब कैमरा सेट कर दिया, मैंने कहा अब आएगा अब खिलाओ। और यहाँ साथ में चल रही थी शौर्य पूर्णिमा की क्लास भी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। और ये देखिए शौर्य की मस्ती, आपको योगा करके दिखा रहा है। अब मैं बच्चों को भी जल्दी से सर्व कर देती हूँ। सुनो कैसे बनी है शुरू? सड़ा मुखे बना रखा है। सुनो अब मैं भी खा लेती हूँ, आइए आप लोग भी खा लीजिए। चलिए हम जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं, फिर कोई और काम करेंगे। तो आप भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए, ये लीजिए खा लीजिए। बच्चों की अभी क्लास चालू है, स्टिल ऑन। हस्बैंड ने नाश्ता कर लिया है, अब मैं भी कर लेती हूँ। दोस्तों आगे की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी, आगे जो कुछ भी हुआ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर अभी तक आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।